स्टूडेंट्स, आज साइबोटेक एजुकेशन ग्रुप जो है वो एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया है। आज का टॉपिक है, एक्चुअली ये टॉपिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और या बूलियन अलजेब्रा या कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इन तीनों टॉपिक्स से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये कंप्यूटर का फंडामेंटल्स भी है, मतलब बहुत फंडामेंटल्स एक टॉपिक है अबाउट गेट, GATE गेट। देखिए, गेट जो है, गेट अपने आप में एक सर्किट है, जो एक्सेप्ट करता है या तो दो इनपुट या तो वन इनपुट, आइदर वन इनपुट और टू इनपुट्स, एंड प्रोड्यूसेस एन आउटपुट। ठीक है, गेट का इस्तेमाल जो है वो सर्किट बनाने में होता है, डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस में जो सर्किट लगता है उसके डिजाइनिंग में होता है, उसका बूलियन एक्सप्रेशन बनता है, तब जाके फिर या तो विदाउट मिनिमाइजेशन बहुत ज्यादा हेवी सर्किट बनेगा या फिर मिनिमाइज करके साइज में छोटा सर्किट बनेगा साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, वीडियो प्रोड्यूस करने के लिए वगैरह वगैरह, अलग अलग काम के लिए इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो वैसा सर्किट जो एक इनपुट एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग बोल सकते हैं यूनरी गेट। क्या है भाई? दैट एक्सेप्ट्स ओनली वन इनपुट। ठीक है, आउटपुट तो ऑलवेज वन ही होगा। दूसरा जो गेट है वो है बाइनरी गेट, दैट एक्सेप्ट्स टू इनपुट्स। ये याद रखिएगा। तो गेट का क्लासिफिकेशन हमने क्या किया, यूनरी और बाइनरी। ये गेट का दो टाइप हो गया, यूनरी और बाइनरी, और इन दोनों केसेस में ये आपको देता है प्रोड्यूसेस और गिव्स ओनली वन आउटपुट। ठीक है, अब गेट के बारे में एक चीज आप जान लीजिए कि गेट का इनपुट जो होगा वो या तो जीरो होगा या वन होगा। जीरो को फॉल्स भी लिखा जाता है, वन को ट्रू भी लिखा जाता है, TFT। जीरो को N भी लिखा जाता है, वन को T या Y भी लिखा जाता है। जीरो को फॉल्स भी लिखा जाता है और इसको वन को ट्रू भी लिखा जाता है। ये समझिए इस बात को। और इसका आउटपुट भी सिमिलरली जीरो होगा या वन होगा। मतलब कहने का यह है कि गेट चाहे जिस भी तरह का हो, यूनरी हो या बाइनरी हो, चाहे एक इनपुट एक्सेप्ट करने वाला हो चाहे दो इनपुट एक्सेप्ट करने वाला हो, वो इनपुट के रूप में जीरो या वन ही